टेन हेडेड बफेलो। मार्कापुर नाम के गांव में जोगेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो भुक्कड़ था, बस उसका काम था हर रोज घर पर चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी बनवाकर खाना। एक दिन अपनी माँ से, ये क्या माँ, आज चिकन बिरयानी क्यों नहीं बनाया, सिर्फ रोटी और दाल बनाया। बेटा, तुम्हारा खाने का शौक पूरा करने के लिए तुम्हारी पिताजी की कमाई कम पड़ रही है, इसलिए बेटा हफ्ते में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार के दिन घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। ऐसा आज मंदिर में प्रण करके आए हैं तुम्हारे पिताजी। आज से ये 3 दिन नॉनवेज नहीं मिलेगा। दत्त, अब कौन है जो ऐसा घटिया प्रण लेता है माँ, ये तो मूर्खता है, मैं ये सह नहीं सकता। अब मुझे 300 रुपए दो, मैं बाहर जाकर चिकन बिरयानी खाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, चुपचाप जो रखा है वही खा लो, नहीं तो पिताजी से कहूंगी तो खूब मार पड़ेगी। यूं वो गुस्से में भूखा जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक स्वामी जी तपस करते हुए नजर आए। इसने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। बेटा, यहां तुम्हें जो भोजन चाहिए वो नहीं मिलेगी, यहां क्यों आए हो? मन की शांति के लिए आया हूं स्वामी जी, बिना चिकन या मटन के एक गिराई भी मुंह में नहीं जाती है, पर यूं दो वक्त उन्हें बनाने की हमारी हैसियत भी नहीं है, इसीलिए आप ऐसा कोई वर दें जिससे मैं शुद्ध शाकाहारी बन जाऊं। ऐसा वर देना ठीक नहीं है बेटा, इंसान को अपनी इच्छाओं को वश में करना बहुत मुश्किल है। अब कल यदि तुम फिर से मांस खाना चाहोगे तो वो संभव नहीं होगा ना बेटा। तो एक काम कीजिए स्वामी जी, मुझे एक भैंस में बदल दीजिए, तब मैं मजे से शाकाहारी खाकर जीवन बिताऊंगा, तब मैं इसी जंगल में घूमता हुआ बिना कोई नौकरी किए आराम से जीऊंगा, प्लीज स्वामी जी। तथास्तु कहकर उसे आशीर्वाद दिया। बस योगेश एक भैंस में बदल गया। वो बाद में जंगल में घास चरने लगा। यूं जंगल में जो कुछ मिलता था मजे से खाने लगा, चाहे वो जितना भी खाता उसकी भूख नहीं मिटती थी और वो खाता ही रहता था। एक दिन वो फिर स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी, मैं शाकाहारी बनकर भी खुश नहीं हूँ, चिकन और मटन तो खा नहीं सकता, पर कम से कम घास फूस और फल भी ना खाऊं तो कैसे चलेगा। ये क्या बेटा, जंगल में तो इतने सारे फल और घास हैं, अब तुम्हारी क्या समस्या है? मेरी भी यही तकलीफ है स्वामी जी, जंगल में इतने सारे फल और घास हैं, उन्हें जितना खाओ और खाने का दिल करता है, वो इतने स्वादिष्ट हैं, पर मेरा एक ही सर और एक ही मुंह है, मुझे कम से कम 10 सिर दीजिए स्वामी जी, उनसे मैं जी भर कर खा सकूंगा। स्वामी जी ने उसकी इच्छा पूरी की तो भैंस के 10 सिर प्रकट हो गए। उस दिन से वो जंगल में खाने पर टूट पड़ा। कोई और जानवर घास चरता तो उसे भगाकर ये खाने लगा। इससे कुछ दिनों में उसका पेट दर्द करने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो स्वामी जी के पास फिर गया। स्वामी जी, पेट दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अब ये भैंस नहीं बनना है, कृपा करके मुझे फिर से इंसान बना दीजिए स्वामी जी, कहकर प्रार्थना करने लगा। ये कैसा संभव है बेटा, ये रूप तो तुम्हारे इच्छा अनुसार ही हुआ है ना, यूं फिर से बदलना मुश्किल है, जंगल का सारा आहार तो तुम्हारा है, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं स्वामी जी, खाने की लालच में मैंने सोचा कि ज्यादा सिर होंगे तो ज्यादा खा पाऊंगा, पर मैं ये भूल गया कि पेट तो एक ही है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ स्वामी जी, मुझे फिर से इंसान बना दीजिए प्लीज। स्वामी जी मान गए और फिर उन्होंने हाथ घुमाया तो वो योगेश में बदल गया। देखो बेटा, एक बात याद रखो, इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। तुम जो कुछ खाओ सही मात्रा में खाओ, वरना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कम से कम अब से मेहनत करो और कोई काम करो, सुस्ती और खाने की लत को छोड़ो
और काम करके खुशी खुशी जियो, कहकर उसे आशीर्वाद किया। उस दिन से योगेश एक ऑटो चलाते हुए खुशी खुशी रहने लगा।